हेलो दोस्तों, एक बार फिर से न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉक पर डिस्कस करने वाले हैं जिसमें दोस्तों पिछले ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक ने रफली थोड़ा सा यहाँ पे प्लस पॉइंट शो किया था। हालांकि बात करें पिछले एक साल का तो इस स्टॉक में कोई खास हमें रिटर्न का फिगर नहीं देखने मिला है। हालांकि दोस्तों जब से स्टॉक लिस्टेड है वहाँ से अभी तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से मुनाफा दिया है, लेकिन पिछले एक साल का अगर बात करें इसका ट्रैक रिकॉर्ड का तो पिछले एक साल में इस स्टॉक ने ओनली 4-5% के आसपास का हमें मुनाफा का फिगर देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों हमें यानी कि आने वाले साल में इस स्टॉक में बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है क्योंकि इसका बिजनेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और दोस्तों यहाँ पे आजकल न्यू प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए इस स्टॉक से हम सारे इन्फॉर्मेशन एक बार देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें पिछले वन मंथ का इसका प्राइस का ग्राफ का तो पिछले वन मंथ में इस स्टॉक में ओनली हमें यहाँ पे 1% के आसपास का गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो कि बात करेंगे यहाँ पे पिछले एक साल का इसका प्राइस का ग्राफ का तो पिछले एक साल में इस स्टॉक में ओनली यहाँ पे 4-5% के आसपास का मुनाफा का हमें फिगर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों बात करेंगे पिछले 5 ईयर का इसका प्राइस ग्राफ का तो पिछले 5 ईयर में इस स्टॉक में 300% के आसपास का मुनाफा का यहाँ पे हमें फिगर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो पिछले एक साल से इस स्टॉक में एक ही रेंज में इसका प्राइस हमें देखने को मिला है। हालांकि दोस्तों उम्मीद है कि आने वाले साल में इस स्टॉक में बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें रैली देखने को मिल सकता है क्योंकि इसका बिजनेस एक्सपेंस हमें होते हुए देखने को मिल रहा है और दोस्तों इसका न्यू प्रोडक्ट का भी रिलेटेड हमें अच्छा खासा न्यूज देखने को मिल रहा है। और दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे सबसे अधिक दिनों का इसका प्राइस है ग्राफ का तो यहाँ पे 300% के आसपास का मुनाफा देखने को मिल रहा है। और दोस्तों स्टॉक हमें 2019 में लिस्टेड होते हुए देखने को मिल रहा है और दोस्तों वहाँ से अभी तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से मुनाफा दिया है। दोस्तों यहाँ पे मैं डिस्कस आप लोगों से कर रहा हूँ पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड की रिगार्डिंग। स्टॉक अच्छा खासा है, आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बना कर रख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इसका प्रोडक्ट आप लोग के सामने में कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से इसका प्रोडक्ट का फिगर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है जिसके वजह से इसका फ्यूचर हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और दोस्तों अगर बात करें इसका रेवेन्यू का तो रेवेन्यू का फिगर भी हमें स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिलता है और दोस्तों नेट प्रॉफिट का फिगर भी अच्छा खासा है। अगर बात करें रिजर्व एंड सरप्लस का तो वो भी हमें एवरी क्वार्टर का एंड एवरी ईयर का फिगर हमें अच्छा खासा देखने को मिलता है। यहाँ पे देख सकते हो इसका कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से इसका हमें प्रोडक्ट का फिगर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्टॉक फ्यूचरिस्टिक है, आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इसका रेवेन्यू का फिगर आप लोग के सामने में, एवरी ईयर कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू के साथ में यहाँ पे फिगर शो किया है जो कि यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे हमें रेवेन्यू का फिगर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों बात करेंगे नेट प्रॉफिट का तो यहाँ पे देख सकते हो एवरी ईयर का हमें स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे यानी कि प्रॉफिट का फिगर देखने को मिल रहा है। दोस्तों तो स्टॉक जिस तरीके से यहाँ पे इसका बिजनेस की बात करिए तो बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग है और जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट का हमें ग्राफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो अगर बात करें इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन का तो यहाँ पे हमें 38,000 करोड़ से एवव का फिगर देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करेंगे इसका 52 की हाई का तो स्टॉक हमें 3000 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिला और दोस्तों इसका 52 लो की बात करेंगे तो यहाँ पे 2000 के आसपास का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। अगर बात करेंगे दोस्तों इस स्टॉक का प्रीशो का तो यहाँ पे 34 के आसपास का फिगर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों हम बात करेंगे इसका इंडस्ट्री का प्रीशो का तो यहाँ पे आप लोग के सामने में रफली 23 के आसपास का फिगर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे रिटर्न इक्विटी का तो यहाँ पे 17% से एवव का फिगर देखने को मिल रहा है जो कि दोस्तों यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 20% से एवव का फिगर है जो कि अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि हम बात करेंगे इसका फेस वैल्यू का दोस्तों तो यहाँ पे हमें ₹10 देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे इस स्टॉक में प्रमोटर का होल्डिंग का तो यहाँ पे 68% से एवव का हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है। और दोस्तों हम बात करेंगे क्या यहाँ पे प्रमोटर का शेयर कोई प्लेस भी है तो यहाँ पे हमें कोई प्रमोटर का शेयर यहाँ पे प्लेस नहीं देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो EPS कितना स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे 75 रुपये की यहाँ पे हमें EPS का फिगर देखने को मिल रहा है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे डेप्ट के रिगार्डिंग तो यहाँ पे डेप्ट का फिगर 100
करोड़ से अबव का फिगर देखने को मिल रहा है, जो कि कोई खास है नहीं। और दोस्तों बात करेंगे डेप्ट टू इक्विटी रेशियो का, तो यहाँ पे 0.02 का फिगर हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इसका क्वार्टरली सेल्स का फिगर कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर बात करें तो यहाँ पे जून क्वार्टर के अकॉर्डिंग सितंबर क्वार्टर का यहाँ पे सेल्स में अच्छा खासा फिगर देखने को मिला है। हालांकि बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, तो यहाँ पे देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फिगर हमें जून क्वार्टर के अकॉर्डिंग सितंबर क्वार्टर का अच्छा खासा फिगर देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करेंगे यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो सितंबर क्वार्टर में 13% का फिगर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि जून क्वार्टर में हमें ओनली 11% का फिगर हमें देखने को मिला था। और दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट का फिगर भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रहा है सितंबर क्वार्टर का अकॉर्डिंग टू जून क्वार्टर। तो जिस तरीके से इसका बिजनेस है स्टॉक हमें बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इसका ईयरली सेल्स का फिगर आप लोग के सामने में, इसका ईयरली सेल्स का फिगर हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इस साल का अभी तक का हमें अच्छा खासा फिगर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर बात करेंगे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, तो एवरी ईयर कंपनी अच्छा खासा इंक्रीमेंट के साथ में अभी तक फिगर शो किया है। और दोस्तों अगर बात करेंगे इसका नेट प्रॉफिट का, तो यहाँ पे ईयरली फिगर आप लोग के सामने में देख सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से इसका हमें प्रॉफिट का फिगर देखने को मिल रहा है। अगर बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे कंपाउंड सेल्स ग्रोथ का, तो यहाँ पे देख सकते हो पिछले 5 ईयर में 17% का हमें सेल्स का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और दोस्तों बात करेंगे स्टॉक प्राइस के CAGR के रिगार्डिंग, तो पिछले 3 ईयर्स में इस स्टॉक ने 37% के आसपास का CAGR का ग्रोथ दिखाया है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो अगर बात करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे एवरी ईयर कंपनी अच्छा खासा इंक्रीमेंट के साथ में अभी तक यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस का फिगर स्टॉक किया है। जो कि बात करेंगे ब्रोइंग्स का यानी डेप्ट के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे कोई खास डेप्ट का हमें फिगर नहीं देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो अगर बात करें इसका फिक्स एसेट का, तो फिक्स एसेट का फिगर भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें इस स्टॉक में प्रमोटर का होल्डिंग का, तो यहाँ पे रफली 68% के आसपास का होल्डिंग है। जो कि दोस्तों अगर बात करें FII का होल्डिंग का, तो यहाँ पे 6% से FF का होल्डिंग है, जो कि यहाँ पे जून क्वार्टर के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे FII का होल्डिंग में काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीमेंट के साथ में फिगर यहाँ पे देखने को मिल रहा है सितंबर क्वार्टर में। DII की बात करेंगे, तो यहाँ पे DII का होल्डिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हमें देखने को मिल रहा है अकॉर्डिंग टू जून क्वार्टर, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे इसका फ्यूचर हमें काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। यानी कि दोस्तों 2023 इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। अगर बात करेंगे दोस्तों इस स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग का, तो यहाँ पर देख सकते हो रिटेल इन्वेस्टर अपना शेयर बेच के निकल चुका है। जो कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जून क्वार्टर में 17% का होल्डिंग था रिटेल इन्वेस्टर का, जो कि यहाँ पे सितंबर क्वार्टर में ओनली 15% के आसपास का होल्डिंग देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो DII अपना होल्डिंग में अच्छा खासा इंक्रीमेंट के साथ में फिगर शो किया है, जो कि FII का होल्डिंग में भी अच्छा खासा इंक्रीमेंट के साथ में यहाँ पे हमें फिगर देखने को मिला। तो रिटेल इन्वेस्टर का यहीं पे हमें गलती देखने को मिलता है, जब स्टॉक में थोड़ा बहुत हमें करेक्शन देखने को मिलता है तो वो लोग यहाँ से बेच के निकल जाते हैं, जो कि वही DII एंड FII उस समय खरीदारी करता है जब स्टॉक में अच्छा खासा हमें रैली देखने को मिलता है, उस समय वो लोग निकलता है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर का यहाँ पे थिंकिंग बिल्कुल यहाँ पे डिफरेंट है दोस्तों, जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर हमेशा नेगेटिव में ही हमें अक्सर देखने को मिलता है। दोस्तों बात करेंगे अगर यहाँ से इस स्टॉक में थोड़ा बहुत हमें और करेक्शन देखने को मिलता है, तो इसका जो प्राइस है 2340 के आसपास में आते हुए देखने को मिलेगा। अदरवाइज फ्यूचर में इसका प्राइस हमें 4000 के भी आसपास में जाते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, फ्यूचर इसका काफ़ी ब्राइट हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों उम्मीद करते हो वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।